हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन की बात। हम हाजिर है एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द कश्मीर फाइल्स द बिगेस्ट सरप्राइज ऑन डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। इट इज ब्रिलियंट। हम आपको बताए थे दिस विल बी द बिगेस्ट अंडरडॉग ऑफ 2022, और जिस तरह का उसका हम कल अपना कहानी भी आपको बताए थे कि किस तरह से हम सोचे थे कि राधेश्याम देख के निकलेंगे और टिकट मिल जाएगा आराम से कश्मीर फाइल्स का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पूरा सोल्ड आउट था। और उसके बाद जल्दी से हम टिकट बुक किए, वहां भी सिर्फ दो टिकट बाकी था। तो इस तरह का कुछ मंजर था यहाँ पे, और हर जगह वही मंजर है। मतलब पहले दिन का कलेक्शन जो निकल के आया है स्टैगरिंग 3.55 करोड़। मतलब बड़ी बड़ी फिल्में अभी रिसेंटली उतना नहीं कमा पाई हैं, और मात्र 600 कुछ स्क्रीन्स में निकली थी और झंडे गाड़ दिए इसने लिटरली। मतलब अब ट्रेंड देखो, सबसे जबरदस्त ट्रेंड था पुष्पा का, उसको इसने पीछे छोड़ दिया एक तरह से। कलेक्शंस में भी और स्क्रीन भी कम है, मतलब उससे बेहतर ट्रेंड करी। मतलब समझो कि कितने लोग जा रहे हैं इसको देखने के लिए, और ये ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड्स ही जाने वाला है। स्क्रीन्स उसके बढ़ने वाले हैं, और अब तो हमको लगता है कि वीकेंड में आराम से 15 करोड़ भी मार सकती है ये। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर ये 5 दिन के अंदर अपना पूरा रिकवरी कर ले। सो दिस हैज़ बीन द फिनोमिनल रिस्पॉन्स। और जिस तरह की फिल्म है, हम आपको कल भी बताए थे कि एवरीवन शुड वॉच इट एटलीस्ट वंस, इट इज अ मस्ट वॉच। और अब देखते हैं आगे किस तरह का झंडे गाड़ती है, और देखते हैं सेकंड डे का कलेक्शन तो डेफिनेटली इससे ऊपर आने वाला है। हम 5 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट आए, और संडे को जब स्क्रीन और थोड़े बढ़ जाएंगे फिर देखते हैं किस तरह का स्क्रीन आता है। सो द कश्मीर फाइल्स इज गोइंग ऑन अ ह्यूमंगस रन, अभी बहुत ज़बरदस्त चलेगा इसका ट्रेंड्स। अब देखते हैं कि राधेश्याम किस तरह का परफॉर्म करती है, क्योंकि बहुत लोग राधेश्याम का भी पूछ रहे थे। राधेश्याम का जब आएगा ऑफिशियल तब हम बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एस्टिमेट 4 से 5 करोड़ है, हो सकता है कि 5 करोड़ टच कर जाए, विच इज़ अ बिग शॉक, बहुत बड़ा शॉक होने वाला है ये। और निज़ाम में अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं तोड़ पाया पहले दिन का। सबके बारे में डिस्कस करेंगे जब वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस आ जाएंगे और हिंदी के कलेक्शंस आ जाएंगे, सबके बारे में बातें होंगी। लेकिन निज़ाम में पुष्पा और भीमला नायक, पहले पे भीमला नायक है, सेकंड पे पुष्पा है, और थर्ड पे राधेश्याम आ चुकी है। बीइंग अ रोमांटिक जॉनर इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। 10.5 करोड़ के आसपास उसका निज़ाम कलेक्शन है, विच इज़ ह्यूमंगस। जिस तरह से इसका ट्रेंड है, या फिर जिस तरह का जॉनर है, रोमांटिक जॉनर, वैसे भी पब्लिक उतना ज़्यादा नहीं आती है, मास अपील ज़्यादा पसंद है पब्लिक को। सो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो इट इज़ डूइंग अ ग्रेट कलेक्शंस वहाँ पे। हिंदी में इट इज़ अ बिग शॉक, बताने का जरूरत नहीं है कि हिंदी में पता ही नहीं चल रहा किसी को क्या हुआ। क्योंकि अगर फिल्म को चलो मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके पहले से ही ये चल रहा था। जब एडवांस बुकिंग हम लोग देखे थे किस तरह का डल एडवांस बुकिंग था, तो वहीं से फिल्म निकलने के पहले ही अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर इट इज़ अ बिग साइन ऑफ कंसर्न। अब देखते हैं उसके बारे में बात होगी आराम से। फिलहाल कश्मीर फाइल्स इज रॉकिंग एंड रोलिंग 3.55 करोड़ ऑन डे वन। आपको क्या लगता है कितना कलेक्शन होगा कल, और वीकेंड में ये 15 करोड़ मार पाएगी कि नहीं, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में जो भी आपके राय हैं, जो भी आपके थॉट्स हो। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।